घारो वाटर पार्क इंतजामिया ने सिंध हुकूमत और डीसी ठट्ठा के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मलाह की इस रिपोर्ट में। घारो वाटर पार्क इंतजामिया ने सिंध हुकूमत और डीसी ठट्ठा के अहकाम को रद्द कर डाला। वाटर पार्क में बिना किसी समाजी फासले के हजारों अफराद का हुजूम, तफरीकी घर से पूरा कराची उमड़ आया। कोरोना फैलने का खतरा, जिले इंतजामिया सिर्फ रमजान में चंद होटलों और छोटे दुकानदारों पर जुर्माने आयद करके खामोश। सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत में सख्त गमो गुस्से की लहर छाई हुई है। कार्रवाई का मुतालबा। अजी नाजिर, सिंध हुकूमत की जानब से कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से आवाम को बचाने के लिए लॉकडाउन लागू करते हुए शहर में कायम होटल, रेस्टोरेंट और दीगर कारोबारी मराकज में लोगों के हुजूम पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी करते हुए मेलजुल में सामाजिक फासले का भी हुक्म जारी किया गया, जिसके बायस मकामी ताजर सख्त परेशानी के मुँह दे रहे हैं। दूसरी जानब इन सब की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब घारों का वाटर पार्क खुलेआम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जहाँ कराची से बड़ी तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर तफरी के लिए पहुंच रहे हैं। न सामाजिक फासले का ख्याल रखा जा रहा है। याद रहे, डीसी ठट्ठा ने सामाजिक फासला बरकरार रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, तफरीगाह, मुसाफर खाना, दरगाहों पर लोगों के हुजूम पर पाबंदी आयद की थी। इसके खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने भी वसूल किए हैं। जहां आज जिले इंतजामिया के वाटर पार्क इंतजामिया के सामने इतनी बेबसी देखकर सियासी समाजी कारोबारी जमात में सख्त गुमो गुस्सा छाया हुआ है और जिले इंतजामिया की ऐसी पॉलिसी पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर आला सिंध, कमिश्नर हैदराबाद और दीगर आला हुकाम से वाटर पार्क के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैनाटीम के साथ मोहम्मद अली मल्ला, राज न्यूज़, घारो।